वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर मतवक़्क़े है। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर रखा है। इमरान खान अराकीन असेंबली को सूबाई हुकूमत से मुतालिक गाइडलाइन भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल दौरा लाहौर मतवक़्क़े है। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। साथ ही साथ इमरान खान अराकीन असेंबली को सूबाई हुकूमत से मुतालिक गाइडलाइन भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर मतवक़्क़े है। तमाम सियासी अमूर ज़ेरे गौर रहेंगे। मुल्की सियासी सूरतेहाल पर भी बातचीत की जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। इमरान खान अराकीन असेंबली को सूबाई हुकूमत से मुतालिक गाइडलाइन देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर मतवक़्क़े है और अहम इजलास जो है तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इमरान खान अराकीन असेंबली को सूबाई हुकूमत से मुतालिक गाइडलाइन भी देंगे। इसी पर मज़ीद जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा। आज बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान कल दौरे लाहौर के सिलसिले में लाहौर आ रहे हैं और उन्होंने पंजाब की पार्लियामानी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की, उसका इजलास तलब कर लिया है। पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनको मुल्की मामला और पंजाब के मामला पर जो है वो वज़ीर आज़म हदायत देंगे। वज़ीर आज़म दौरे लाहौर के दौरान नया पाकिस्तान प्रोग्राम के बारे में इजलास भी करेंगे, जिसमें लोधा और रनालापुर में जो मनसूबे हैं नए पाकिस्तान प्रोग्राम के, उसकी इफ्तिताही प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अलग भी मुलाकात करेंगे और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से उन्हें तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। अब वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के हवाले से अरकान असेंबली को इत्तला देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।